हे गाइस, इंडियन सेगमेंट में अगर साउंड बार की बात करें तो यहाँ पे शायद आप लोगों ने मीवी का नाम जरूर सुना होगा। आज तक इन कंपनी ने दो साउंड बार को लॉन्च कर दिया था, एक था X60 और एक था S100। S100 का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है और उसी वीडियो में मैंने क्लियर से बोला था कि इस साउंड बार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मतलब वो एक बहुत ही झासू और बहुत ही हैवी साउंड क्वालिटी का साउंड बार था। और रिसेंटली मीवी ने और भी एक साउंड बार को लॉन्च कर दिया जो है मीवी S24, उसी का वीडियो आज मैं करने वाला हूँ। तो उसी का एक फास्ट लुक मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये रहा साउंड बार का एक फास्ट लुक। वजन इसका अप्रॉक्स 1 किलो के आसपास से और देखने में बहुत ही स्टाइलिश डिजाइन है, मतलब एकदम प्रीमियम क्वालिटी का डिजाइन है। सो देखना यह है कि ये साउंड बार, मतलब ये छोटा सा पिद्दी सा साउंड बार का साउंड क्वालिटी कैसा होता है, बिल्ड इन क्वालिटी कैसा है, फीचर्स वगैरह हमें क्या क्या मिल जाता है, ये सब। सो गाइस, हर रिव्यू वीडियो की तरह अभी इसको भी अच्छे से अनबॉक्सिंग और टेस्ट करके आप लोगों के सामने बेस्ट ओपिनियन देने वाला हूं कि इस साउंड बार को आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं, कैसा साउंड है इसका, मुझे कैसा लगा। इसका प्राइस 2000 के आसपास है लेकिन ऑन ऑफर में आपको 1500 से 1800 के आसपास मिल जाएगा। अब अनबॉक्सिंग से देख लेते हैं इसके अंदर में और क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स को अनबॉक्सिंग करने से पहले इसका हाईलाइट वगैरह एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मेंशन है मीवी, उसका मॉडल फोर्ट S24, 24 वाट का ये मिनी साउंड बार है। यहाँ पे मेंशन है प्राउड, ये है मेड इन इंडिया। डिजाइन इसका कैसा है या फिर मॉडल इसका कैसा है वो यहाँ पे मेंशन है। इस साइड में कुछ डिटेल्स वगैरह मिलता है, इस साइड में हमें मिल जाता है वारंटी इसका कैसा क्लेम करना पड़ेगा। इन साइड हमें और भी एक वारंटी पेपर मिल जाएगा। इस साइड में हमें कुछ फीचर्स वगैरह मिल जाता है, जैसे देख सकते हो इसका जो फीचर्स वगैरह है वो क्या क्या है। इस साइड में और कुछ नहीं है। प्राइस की अगर बात करते हैं यहाँ पे प्राइस मेंशन है 3999, लेकिन ऑनलाइन आपको ये 800 रुपये के आसपास मिल जाएगा। आप जल्दी से इसको ओपन करके देख लेते हैं इन साइड हमें और क्या क्या पेपर वर्क मिलता है या फिर इसके साथ और क्या क्या एक्सरसाइज मिलता है। इसको तीनों बैकेट के रैपर के साथ भेजा गया है। इस साइड में शायद हमें वो पेपर वर्क मिल जाएगा, तो इस बार पेपर का साइज थोड़ा छोटा करने की कोशिश किया है। तो ये रहा मीवी का वेलकम टू थैंक्सफुल कार्ड और कुछ नहीं। ये रहा मीवी का जो यूजर मैनुअल है, यूजर मैनुअल इस बार बहुत छोटा दिया है मीवी ने, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं किया है इस बार। और ये रहा फाइनली वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसके बारे में ऑलरेडी बाहर मेंशन है, इसको कैसे करना है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। सो बस इसको बाहर कर लेते और देख लेते इनसाइड हमें और क्या क्या मिलता है। ऑडियो केबल का लेंथ अप्रॉक्स 3-4 फीट के आसपास होगा शायद, आप लोग समझ सकते हैं। और ये रहा फाइनली एक सी टाइप का चार्जिंग केबल, क्योंकि इसके अंदर इनसाइड बैटरी है तो हमें बैटरी से इसको चार्ज करना होगा। कोई भी अडैप्टर से आप चार्ज कर सकते हो लेकिन नॉर्मल अडैप्टर का यूज़ करना। सो केबल का साइज भी अप्रॉक्स 4-5 फीट के आसपास ही है। यहाँ पे मीवी का ब्रांड भी मेंशन है और ये रहा टाइप सी पोर्ट का पोर्ट। सो फाइनली ये रहा वो बार, देखने में कुछ ऐसा होगा। इसका साइज का अगर मैं डेफिनेशन देने की कोशिश करता हूँ तो इसका साइज लैपटॉप से थोड़ा बड़ा है, लैपटॉप का साइज इतना होता है अप्रॉक्स, उसका साइज थोड़ा बड़ा है। तो देख सकते हो यहाँ पे मीवी का ब्रांडिंग मेंशन है। ये रहा कॉटन का क्लॉथ जिसको बहुत अच्छे से ब्रांडिंग करके भेजा गया है और देखने में इस साइड में कुछ ऐसा है। यहाँ पे कुछ बटन वगैरह हमें मिल जाता है, जैसे पहले है प्ले पॉज, उसके बाद वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस, यहाँ पे मूड बटन और यहाँ पे एक LED इंडिकेटर। और ये जो छोटा सा होल आप लोग देख रहे हो ये है माइक पोर्ट। पीछे के साइड में हमें मिल जाएगा पहले एक ऑन ऑफ का बटन, इसको नॉर्मली प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा, उसके बाद ये ऑन होगा, उसके बाद ऑक्स मोड। यहाँ पे है TF, मतलब ये रहा USB पोर्ट, ये रहा TF पोर्ट मतलब माइक्रो SD पोर्ट। और इसमें हमें चार्ज करने के लिए लगेगा DC 5 पोर्ट। इस साइड में हमें मिल जाता है, मतलब नीचे के साइड में मिल जाता है छोटा सा रबर का स्टिकी पैड या फिर रबर पैड, मतलब कि किसी भी प्लेस में अगर आप इसको रखते हो तो ये फिसलेगा नहीं, या फिर जब इसका साउंड होगा मतलब हेवी बेस वाला साउंड होगा तो ये फिसलेगा नहीं। बाकी इसका जो फुल्ली बॉडी है फुल्ली प्लास्टिक का है, अगर हाथ से गिरेगा तो टूट भी सकता है, डेफिनेटली टूट जाएगा, ये मेरा गारंटी है। और इस डिवाइस की अगर बात करते हो तो इसका लुक मुझे बहुत बढ़िया लगा, खासकर इसका जो कॉटन वाला सेव है ये मुझे बहुत बढ़िया लगा, ब्रांडिंग बहुत अच्छे से यहाँ पे लग रहा है। सो देख लेते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। सो इस साउंड बार को ऑन करने के लिए इसके पीछे एक अनअप बटन है, तो इसका हमें जस्ट प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा। हो गया, प्लस को अगर हम प्रेस करते हैं तो हाई साउंड होने पर ऐसा होगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे है एक USB ड्राइव और एक TF कार्ड, मैं दोनों से चेक करके देखने वाला हूँ कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा होगा। तो यहाँ पे जो मूड बटन है इसको अगर हम नॉर्मली प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली FM मूड में चला जाएगा, जैसे मैं एक बार करके दिखाता हूँ। डायरेक्ट देख सकते हो ब्लूटूथ और FM मूड काम करता है। सो USB ऑक्स और TF मूड के लिए कोई बटन वगैरह या फिर फंक्शन वगैरह नहीं है, पहले हमें इसको कनेक्ट करना होगा, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे ओके शुरू हो गया। So, देख सकते हो नॉर्मली काम कर रहा है। सो अब मैं अगर मूड बटन या फिर एम बटन को प्रेस करता हूँ तो अब इसका मूड कन्वर्ट होगा। तो अब इसका साउंड वगैरह टेस्ट करके देख लेते हैं साउंड का क्वालिटी कैसा है। इसमें हमें मिलता है 24 वाट का स्पीकर, दोनों स्पीकर यहाँ पे मिल जाते हैं और दोनों बेस यहाँ पे मिल जाता है, सिनेमेटिक बेस ऐसा इसका कहना है। तो देखना है कि साउंड कैसा है। और बाकी
बाकी सारे साउंड बार की तरह इसका भी वॉल्यूम बटन को प्रेस एंड होल्ड करने से नेक्स्ट हो जाएगा और माइनस को अगर प्रेस एंड होल्ड करते तो प्रीवियस हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इसके साउंड का क्वालिटी के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया। इसका साउंड का जो क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा हेवी है और ये दो प्लेस से मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यहाँ से हवा निकल रहा है, मतलब इसका बेस रेडिएटर यहाँ पे है, मतलब बेस का जो सेक्शन है वो यहाँ पे ही है। सो गाइज यहाँ पे मेरा ओपिनियन मानो यहाँ पे हमें हाईएस्ट 60-70% साउंड में देकर इसको प्ले करना होगा। अगर हम फुल साउंड में इसको प्ले करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन होने लगा और इसमें बैटरी का भी जो बैटर है, मतलब बैटरी का जो कैपेसिटी है वो भी बहुत जल्दी से ड्रेन हो जाएगा। सो फाइनली अब इसका चार्जिंग क्वालिटी देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं चार्जिंग मोड में क्या ये काम करता है या स्लीप मोड में चला जाता है। सो अभी मेरा ये बार ऑन मोड में है, देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये प्ले हो गया। तो अब डायरेक्टली इसको चार्जिंग मोड में कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक रेड लाइट जलने लगा। अब देखता हूँ ये प्ले होता है या फिर ये स्लीप मोड में चला गया। सो गाइस ड्यूरिंग चार्जिंग मोड में भी ये प्रॉपरली काम करते हैं और चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जो रेड लाइट ग्लो कर रहा है वो बंद हो जाएगा और फिर से इसका जो ब्लू लाइट है वो काम करने लगेगा। अब इसका जो इंटरनल माइक है इससे इसका साउंड क्वालिटी का चेक कर लेते हैं। ओके अब ये ब्लूटूथ मोड में आ गया, देखते थे इसका कनेक्टिविटी कितना फास्ट है। इसमें मिल जाता है हमें ब्लूटूथ 5.1, तो देख सकते हो कनेक्ट हो गया। सो इसका कनेक्टिविटी स्पीड नॉर्मल है और इसका ब्लूटूथ रेंज है अप्रॉक्स 30 फीट के आसपास। तो अभी इसका जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है उसको चेक कर लेते हैं। सो गाइस अभी आप लोग जो साउंड सुन रहे हैं वो इस बार से निकल रहा है। मैं अगर इसका वॉल्यूम को अप करता हूँ यहाँ पे देख सकते हो ब्लूटूथ साइन शो कर रहा है और वॉल्यूम को इंक्रीज भी हो रहा है और अगर मैं इसको डाउन करता हूँ तो ये डाउन हो रहा है। सो आई होप आप लोग समझ सकते हो कि अभी जो यहाँ पे जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो यहाँ का जो इंटरनल माइक है वो वहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है। तो गाइस इस साउंड बार को अच्छे से डीप टेस्ट करने के बाद फाइनली बाकी रहा है तो मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे ये साउंड बार एक्चुअली में कैसा लगा वो ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। तो मीबी का हर कोई प्रोडक्ट की तरह इसमें भी मुझे कुछ खामियां और कुछ खूबियां दोनों ही मिला। तो पहले खूबियां को लेकर बात करते हैं। मीबी का जो ये साउंड बार है S24 ये रहा एक पोर्टेबल साउंड बार। इससे पहले भी मीबी ने कुछ दिन पहले एक साउंड बार लॉन्च किया था S16, वो था 16 वाट का, मतलब 8 वाट का दोनों स्पीकर मिल जाते हैं उसमें, वो भी था पोर्टेबल साउंड बार। लेकिन उससे पहले मीबी ने जो साउंड बार लॉन्च किया था एक था S60 और एक था S100। S100 का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वो सब साउंड बार का लेंथ बहुत बड़ा था, उसका वाट भी बहुत बड़ा था और उसको यूज करने के लिए हमें एक नॉर्मल डीसी पावर का जरूरत होता था और उसमें कोई बैटरी इंक्लूड नहीं था। और सबसे बढ़िया बात कि वो सब साउंड बार को हम इजी टू कैरी नहीं कर सकते, लेकिन ये जो साउंड बार है ये रहा एक पोर्टेबल साउंड बार, इसके अंदर हमें इंटरनल बैटरी मिल जाता है। ये S24 वाला साउंड बार में हमें मिल जाता है 2500 MHz का बैटरी, जिसके वजह से आपको आराम से 50% साउंड में 10 से 12 घंटे के ऊपर बैकअप मिल जाएगा। अगर छोटा मोटा कोई पार्टी है, अगर कोई छोटा मोटा ओकेशन है, 2-3-4 फ्रेंड के साथ कर रहे तो ये साउंड बार यहाँ पे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो अगर माइक की बात करते हैं तो इसका माइक क्वालिटी मुझे और जो साउंड बार है या फिर और जो स्पीकर है और डुओपॉड है उससे बहुत बढ़िया लगा, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। साउंड में कोई भी कैचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका माइक क्वालिटी बहुत ही हेवी है, इसका कैचिंग क्वालिटी या फिर उसका जो नॉइस कैंसिलेशन क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। और अगर इसका बॉडी या फिर बिल्ट इन डिजाइन की बात करें तो बिल्ट इन डिजाइन जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि इसका मुझे फ्रंट जो डिजाइन लगा, मतलब कॉटन का जो ग्रिप वाला डिजाइन लगा वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। और जैसे कि खासकर एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये रहा पोर्टेबल साउंड बार, छोटा सा साउंड बार किसी भी प्लेस में हम इसको रखते हैं तो इसका जो डिजाइन है, इसका डिजाइन का लुक इतना अच्छा है कि अगर हम बड़े टीवी के सामने इसको रखते हैं उसमें भी ये अच्छे से फिट हो जाएगा, फिर देखने में अच्छा लगेगा। अगर हम कंप्यूटर डेस्क के ऊपर इसको रखते हैं तो भी अच्छा लगेगा, अगर हम लैपटॉप के साइड में इसको रखते हैं तो भी अच्छा लगेगा। मतलब इसका डिजाइन ऐसा शेप में दिया है मीबी ने कि हम इसको जिस भी प्लेस पर रखेंगे उस प्लेस में भी अटैच हो जाएगा, मतलब उस प्लेस में ही इसको खूबिया लगेगा। और अगर इस साउंड बार के कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स की बात करते हैं तो मीबी के इस मॉडल में मुझे FM मोड पहली बार देखने को मिला। इससे पहले भी मेरे पास S100 है लेकिन उसमें कोई FM मोड वाला सिस्टम नहीं है, मतलब फंक्शन नहीं है, और उसमें कोई TF मोड भी नहीं था जो इसमें इंक्लूड दिया गया है। और इस डिवाइस की और भी एक खूबिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा ये रहा है पोर्टेबल साउंड बार। इससे पहले भी Octave 3 का वीडियो ऑलरेडी मैंने दिखाया था, वो भी एक ब्लूटूथ का स्पीकर था, लेकिन ऐसा डिवाइस है फिर और भी जो डिवाइस है मार्केट में उन सब में मैंने नोटिस किया कि चार्ज ड्यूरिंग के मूड में वो सब स्लीप मोड में चले जाते हैं या फिर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाते हैं, लेकिन इस डिवाइस में मैंने देखा कि चार्जिंग ड्यूरिंग मूड में भी ये काम करते हैं प्रॉपरली। तो ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगा, मतलब अगर आपको लगता है कि बैटरी कम हो रहा है तो मैं इसको प्लग इन करके प्ले करता हूँ तो वो भी होगा, बैटरी भी चार्ज होगा, ये भी प्ले होगा। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं मेनली पॉइंट खामियां के बारे में। खामियां मुझे इसमें एक ही चीज लगा, इसका साउंड अगर हम फुल साउंड में गाना प्ले करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन होने लगता है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्शन होने लगता है। आप 100% साउंड में इसको प्ले ही नहीं कर सकते, इतना साउंड फेड हो जाता है, मतलब इतना इसका साउंड फटने लगता है कि आप गाना या फिर कोई भी चीज गेम कोई भी कुछ कुछ प्ले नहीं कर सकते। आपको हमेशा इसका साउंड 70% या फिर 60% देकर ही प्ले करना होगा। इससे एक चीज बहुत बढ़िया होगा कि इसका जो बैटरी बैकअप है वो बहुत दिन तक
या फिर बहुत देर तक लास्टिंग करेगा। और मैं इस वीडियो में एक चीज बहुत ज्यादा गलती कर दिया, वो है कि जब मैं इसका म्यूजिक टेस्ट कर रहा था तो मैं माइक्रोफोन को बहुत ही पास लेकर गया था, तो एक्चुअल में मैंने एडिटिंग करने के बाद जब देखा कि इसका साउंड जितना फेड हो रहा है, एक्चुअली में इसका साउंड इतना फेड नहीं होता, मैं माइक्रोफोन को बहुत ही क्लोज ले गया था इसलिए इसका साउंड इतना फेड कैच कर रहा है, तो वो मैंने बाद में नोटिस किया रिकॉर्डिंग करने के बाद। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये डिवाइस चाहिए, अगर आप नॉर्मली अपने छोटा सा रूम के लिए, किसी हॉस्टल में रहते हो, किसी फ्रेंड वगैरह के साथ रहते हो, छोटा मोटा पार्टी अटेंड करना चाहते हो, तो अगर आप चाहते हो कि इस डिवाइस को आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके लिए एक बेस्ट ओपिनियन हो सकता है। बाकी ओपिनियन तो आप लोगों के सामने परचेस करने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा, या फिर आप लोगों को अच्छा लगेगा या फिर बुरा लगेगा, वो सब आप लोगों के सामने ही। तो अगर इस डिवाइस को परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहां से जाकर इसका चेकअप कर सकते हो। फाइनली वीडियो खत्म करने से पहले एक ही बात बोलना चाहता हूं, वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करना, और चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहना। सो गाइस, बहुत जल्द मिलता है किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तो अभी के लिए गुड बाय।